सिनेमा की खासियत यह है कि आप इस दुनिया में तुरंत आ जाते हैं। जैसे ही आप यहाँ पहुँचते हैं, आप इनमें से एक मिशन में शामिल हो जाते हैं। पात्र मजाक कर रहे हैं, वे एक अज्ञात व्यक्ति की शादी में नृत्य कर रहे हैं, दूसरे समूह को रसाक्षी के लिए चुनौती दे रहे हैं, अपनी बड़ी यात्रा की योजना बना रहे हैं। ये सब बिल्कुल जमीनी और वास्तविक है, ये कच्चा और देहाती है। मैं उन संवादों को लिखने की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक अराजकता है जिसे हर कोई बोल रहा है। एक दूसरे को ऐसा लगता है जैसे आप जानते हैं कि स्थिति इन अभिनेताओं को दी गई थी और उन्होंने बस एक नाटक की तरह प्रदर्शन किया। प्रत्येक चरित्र के साथ रुकने और यह समझाने का कोई प्रयास नहीं है कि वे कौन हैं, उनका जीवन क्या है, ऐसी कोई स्थापना नहीं है, लेकिन एक संक्षिप्त विचार प्राप्त करने के लिए पर्याप्त है। उनमें से प्रत्येक के बारे में कलाकार बहुत उत्कृष्ट थे। आपको कभी नहीं लगता कि ये अभिनेता है, मैं देख रहा हूँ ये पात्र है। हमेशा के लिए फिल्म इस विचार पर चलती है कि आप अपने जीवन में इस तरह के लोगों को जानते हैं और सिर्फ संकेत देना ही काफी होगा। आपको इन पात्रों को समझना होगा और जैसे जैसे युवा आगे बढ़ते हैं, वे अपरिपक्व होते हैं, वे आवेगी होते हैं, और जब आप उनमें से कई को एक साथ लाते हैं तो ये सब कई गुना बढ़ जाता है और हम देखते हैं कि यह कैसे उन्हें एक त्रासदी की ओर ले जाता है। लेकिन यही उनके चरित्र की परीक्षा है। उनकी दोस्ती अंत में आप कह सकते हैं कि वे सभी सफल हो जाते हैं, लेकिन मुझे ये तथ्य पसंद है कि पटकथा समय के साथ चलती है। इनमें से प्रत्येक पात्र को यह समझने में समय लगता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वे सभी हैरान हैं, वे इस तथ्य को समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। उनके दोस्त और प्रत्येक पात्र को तथ्य को समझने और फिर उस पर अमल करने में अलग अलग समय लगता है, जो एक ऐसी मानवीय बात है जो वास्तविकता में होता है। हम बड़े हुए हैं, आप जानते हैं कि फिल्मों में देखकर कुछ होता है और जिस चरित्र को आप जानते हैं वह स्वचालित रूप से एक हो जाता है। निर्णय लेना कि उसे क्या करना है। वास्तविक जीवन में निर्णय लेना इतना आसान नहीं है और हम देखते हैं कि स्क्रीन पर पात्रों में से किसी एक द्वारा कोई बड़ा प्रेरक भाषण नहीं दिया जाता है कि हमें अपने दोस्त को बचाना है, जो हम आमतौर पर ऐसी फिल्मों में देखते हैं। लेकिन उन्होंने सब कुछ स्वाभाविक रखा। फिल्म में बहुत सारे कॉलबैक हैं। वे रसाक्षी की तैयारी कर रहे थे, बाद में FR को बचाने के लिए काम आया, फिर गुना फिल्म का गाना जो गुना की गुफाओं में फिल्माया गया था, और मैं ये जानते हुए भी फिल्म देखने गया था और गाना सुना है कि कैसे वह कहानी में वापस आता है, कि कैसे मूल गीत में प्यार को दोस्ती के प्यार से बदल दिया जाता है। फिर जो दोस्त फिल्म की शुरुआत में इस दुर्घटना से बच गया, वह भगवान से सवाल करता है कि वह कहाँ है, वह कौन है, और अंत में क्योंकि वह गुफाओं के आसपास के लोगों के लिए मौत से बच गया, वह भगवान बन गया क्योंकि उसने अपने दोस्तों की वजह से कुछ असंभव किया। फिल्म आपको उस अनुभव से गुजरती है, क्या हम उसे बचा सकते हैं, क्या वह मर चुका है, क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्या ये सभी पात्रों में है। वे लगातार इस संघर्ष से जूझ रहे हैं और फिल्म अंत में ही ब्रेकिंग पॉइंट पर ले जाती है। ये स्थापित करती है कि उसे जीवित वापस लाना असंभव है, वह पहले ही मर चुका है। भले ही वह जीवित हो, कोई रास्ता नहीं है कि वह वापस आ सके, और गुफाओं के साथ सारा इतिहास, और फिर बारिश के कारण यह और अधिक असंभव हो जाता है क्योंकि अधिकारी मदद नहीं कर रहे हैं, हर मुश्किल उनके खिलाफ खड़ी है। वे हार मानने की स्थिति तक पहुंच जाते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उन्होंने इसे इतने लंबे समय तक खींच लिया, अंततः प्रकाश की एक किरण और यहां तक कि पूरा बचाव भी हो गया। ऑपरेशन, मुझे अच्छा लगा कि आप उसे बचपन के दृश्यों के साथ जोड़ रहे थे। एक दोस्त ने खुद को गुफाओं के बाहर अपने दोस्तों के साथ देखा था और वह अंदर ही फंस गया था। इस तरह के अत्यथार्थवादी सपने ने मुझे अंतरतार की चरमोत्कर्ष की याद दिला दी। इसका नाटकीय अनुभव बस है उत्कृष्ट, और जो चीज इसमें मदद करती है वह है फिल्म की तकनीकी प्रतिभा। शाहरुख खलीक द्वारा फिल्म को आश्चर्यजनक रूप से छोटा किया गया है। यात्रा से पहले के दृश्य बहुत व्यस्त हैं, वे रंगों और लोगों से भरे हुए हैं। जैसे ही हम यात्रा पर आते हैं, कैमरा की बहुत अधिक हलचल होती है। यह अधिक सिनेमाई हो जाता है, कैमरा अधिक संतुलित है, और जिस तरह से वह गुफाओं को शूट करता है, आप जानते हैं कि ऐसा लगता है जैसे यह अपने आप में एक एसी है। यह एक जानवर है जो सो रहा है, और आपको इसे धक्का नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर यह जाग जाता है तो आप सभी चले जाते हैं। और इससे क्या मदद मिलती है, ध्वनि और संगीत को और अधिक सामने लाएं।
मैंने किसी भारतीय फिल्म में इस तरह के ध्वनि डिजाइन का अनुभव कभी नहीं किया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी रिवर्ब है, बहुत सारी गूंज है और आप स्क्रीन से कंपन को बाहर निकलते हुए महसूस करते हैं। कुछ ऐसा ही एक खुले कैमरे में अनुभव किया गया है। या एक टीला पृष्ठभूमि संगीत का उपयोग इस हद तक किया जाता है कि सुशील शाम ने इसे मार डाला है। जब गंभीर स्थिति में अचानक क्रोध के साथ संगीत कैसे आता है, हे भगवान, जिस तरह से उन्होंने गुफाओं में शूटिंग की, पूरे उत्पादन मूल्य को रोंगटे खड़े कर दिया। जैसे कि मैं बस अपना सिर पकड़ रहा था, जैसे कि उन्होंने इसे कैसे पूरा किया, उन्हें ये स्थान कहाँ मिले, उन्होंने कैमरे कहाँ लगाए, क्रू कहाँ था, शूट करने में कितना समय लगा, व्यवहारिक क्या था, VFX क्या था, बस इस सब के बारे में सोच रहे थे। आप जानते हैं कि मेरा सिर दर्द कर रहा था और यही कारण है कि आप जानते हैं कि मुझे एहसास हुआ कि यह फिल्म मेरे लिए फिल्म निर्माण से आगे निकल गई, ये सिनेमा की जीत बन गई। और मैं ये समझाना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका धन्यवाद, क्योंकि मैं ऐसा कुछ देख पा रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि यह चैनल नहीं बनाता है, समझ में आता है, क्योंकि ये दर्शक ही हैं जो मुझे एक फिल्म देखने के लिए कहते हैं और फिर मैं इसके बारे में एक वीडियो बनाता हूँ जो बहुत अजीब है, लेकिन यह ऐसा ही है। और अगर आप लोग मुझे नहीं बताते तो मेरे सद्भुत सिनेमा से अनभिज्ञ होता। इसके बारे में मैं वो व्यक्ति होता जो सोचता था कि भारतीय सिनेमा सिर्फ बॉलीवुड है, दक्षिण की फिल्में सिर्फ लोगों को उड़ाती हैं, मैंने उपशीर्षक वाली फिल्में कभी नहीं देखी होती, मुझे इन सभी जिमों से दूर कर दिया गया होता। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आप जानते हैं कि ऐसी फिल्में हैं, हमारे देश के सबसे छोटे उद्योग से आने वाले वे सबसे साहसी फिल्में बनाने वाले लोग हैं। जरा सोचिए कि आप इस वास्तविक घटना पर एक फिल्म बनाएंगे, इतनी अविश्वसनीय कहानी है कि पहला सवाल यह है कि आप इसकी कल्पना भी कैसे करेंगे, आप इसे कैसे शूट करेंगे, गुफाएं, आप सब कुछ कैसे दिखाएंगे, और अगर आप उन सब के बारे में सोचते भी हैं तो इसका वित्त पोषण कौन करेगा, आपको ऐसे कलाकार कहाँ मिलेंगे जो इस फिल्म पर खर्च किए गए पैसे को उचित ठहराएंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने कितने पैसे में इस फिल्म को खींचा है बंद, लेकिन किसी और के लिए ये 200 या 300 करोड़ से कम नहीं होगा, और इस प्रकार उन्हें फिल्म में एक बड़े स्टार की आवश्यकता होगी, तभी आप इसे बेच सकते हैं। फिर आपको इसके बजाय बहुत सारे गाने और आइटम नंबर की भी आवश्यकता होगी। कई मित्रों, आपको एक नायक की आवश्यकता है जो दिन बचाएगा और आवश्यक रूप से इसे एक व्यवहार्य परियोजना बनाने के लिए क्या नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन मलयालम सिनेमा ने इसे खींच लिया। इस तरह की फिल्म किसी भी अभिनेता के लिए एक सपना फिल्म है, क्योंकि हर विभाग हर कलाकार काम कर रहा है, यह एक बेहतर काम कर रहा है। मुझे नहीं पता कि कितने लोग इस तरह की फिल्म बनाने का प्रयास भी कर सकते हैं, भूल जाते हैं कि कितने लोग इस तरह से सोच भी सकते हैं। यही कारण है कि मैं मलयालम सिनेमा की प्रशंसा करता हूँ। पिछले साल ये 2018 था और मंजल बॉयज ने इसे ले लिया। अगला स्तर यह नहीं है कि सिनेमा क्या है, कि आप एक कहानी बताना चाहते हैं, आप एक अनुभव साझा करना चाहते हैं, और नहीं, यह कोई उत्तर नहीं है। ये सब इस बारे में है कि आप कितना बड़ा सपना देख सकते हैं, और इसीलिए मैं इसे सिनेमा और मेरी जीत कहता हूँ। मैं रोमांचित हूँ कि फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है और बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही है, क्योंकि यह इसके लायक है। और इसी तरह एक और मलयालम फिल्म द गुड लाइफ है जो मुझे लगता है कि मलयालम को अगले स्तर पर ले जा सकती है। इस वीडियो में देखें आप क्या सोचते हैं, मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।